नगर निगम के द्वारा राप्ती नदी के तट पर गुरु गोरक्षनाथ घाट व राम घाट पर महापौर सीताराम जायसवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर वोटिंग का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से दोनों घाटों का सुंदरीकरण हो पाया है। आज गोरखपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का शुभारंभ किया गया है, जो कि लोगों को काफी पसंद आएगा। पहले लोगों को रामगढ़ ताल पर वोटिंग के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब गुरु गोरखनाथ घाट व राम घाट पर ही यहाँ के लोगों को वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी वोटिंग शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, आगे और भी नदी में बोटों को डाला जाएगा। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक स्पीड बोट भी चलाया जा रहा है, जो कि रेस्क्यू बोट के रूप में काम करेगी। यहाँ पर फूड पार्क भी बनाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, संचालक अमर निषाद व नागरिकों ने कहा। अमर जी खाली करा दीजिए, पहले हुआ है, पहले खाली करा दीजिए। वजन ज्यादा है क्या? दो बार भैया, दो बार बैठ गए बंद हो गया, बंद आराम से चला, आराम से है बस। उनके बदल बदल में चलना, उनके बदल बदल आराम से चलो, बस बदल लेना जब कोई कोनो बात है, आराम से चलना। वापस 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 आराम से वापस। रुक जाए एक मिनट भाई, मालवा हटाते हैं, ऊपर फंसा देंगे आराम। गंगा मैया का नारा लगा, बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। मेरा नाम है स्वर्णिमा प्रजापति।
यहाँ पे बोटिंग का शुभारंभ हुआ है, कितना लोग बढ़ावा मिलेगा, कैसा लग रहा है? बोटिंग की शुरुआत होना एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट का कार्य हुआ है हमारे गोरखपुर में श्री गुरु गोरक्षनाथ घाट पे। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले नौका विहार पे भी बोटिंग की सुविधा उपलब्ध थी और वहाँ पे सारे टूरिस्ट और विजिटर्स जो भी होते थे वहीं पे जाते थे, बट अब एक ये घाट भी हो गया है जिस जहाँ पे विजिटर्स या टूरिस्ट जो भी आते हैं वो यहाँ पे भी घूम सकते हैं और बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। अभी तक आप बोट पे चढ़ो? हाँ, बस मैं जा ही रही हूँ, मेरी टर्न है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे बोटिंग करने के लिए, तो मैं बस जाने वाली हूँ। हाँ, मैं हुमायूंपुर से आई हूँ, आराधना प्रजापति। तो बोटिंग का शुभारंभ हुआ, हाँ। घाट पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखा जाए इससे पहले रामगढ़ ताल पे था, अब यहाँ पे हो रहा है, नजदीक हो गया। हाँ हाँ, बहुत नजदीक हो गया है। कितना बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को? अरे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, इसका तो कोई बता नहीं सकता है कि कितना बढ़ावा मिलेगा, इसको नहीं कोई बता पाएगा, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है। स्वाति, यहाँ पे बोटिंग का शुभारंभ हुआ, कैसा लग रहा है, कितना बढ़ावा मिलेगा? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आरती वर्मा, यहाँ पे बोटिंग का शुभारंभ हुआ है, कैसा लग रहा है, कितना बढ़ावा मिलेगा पर्यटन? बहुत अच्छा लग रहा है और ये आगे ही बढ़ेगा। देखा जाए इससे पहले लोग रामगढ़ ताल पे जाते थे, अब यहाँ नजदीक शहर पे घाट पे, इससे बहुत खुशी है। अमर निषाद, यहाँ पे बोटिंग का उद्घाटन था और यहाँ मोटर बोट का शुभारंभ किया गया, मोटर बोट और एक स्पीड बोट का। क्या शुल्क है इसका, कितने रूपए से टाइम? मोटर बोट का 50 रुपया टिकट है और स्पीड बोट का 100 रुपया है, और टाइमिंग हमारा रेंज है एक किलोमीटर तक हम लोग स्पीड बोट से घुमाएंगे और 500 मीटर आना जाना मोटर बोट से घुमाएंगे। कितने बजे कितने बजे तक यहाँ पे बोटिंग करेंगे? अभी 10 बजे से स्टार्ट करेंगे और सायंकाल तक चलाएंगे, उसके बाद से लाइट वोट की व्यवस्था कराने के बाद जैसे अन्य जगहों पे नाइट में चलता उसी तरह हम भी यहाँ पे नाइट में चलाएंगे। सुरक्षा में हम लोग लाइफ गार्ड रखे हुए हैं और लाइफ जैकेट पहनाते हैं, उसके बाद लाइफ बॉय भी है, रिंग रहती है और बोट में के नदी है तो नदी में बहाव होता है, इसलिए हम लोग एंकर की व्यवस्था की है, इनकेस कभी इंजन वगैरह बंद हो जाता है तो हम एंकर से उसको कहीं भी रोक सकते हैं। घाट का शुभारंभ कितना बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को? देखिए आज 13 नवंबर 2022 का दिन गोरखपुर के लिए एक और इतिहास विकास के रूप में एक और इतिहास जुड़ा है और आज राप्ती घाट पर, गुरु गोरक्षनाथ घाट पर यह नौकायन का शुरू किया गया है सेवा, जो कि पर्यटन के दृष्टि से एक नया आयाम रहेगा गोरखपुर के लिए। अब तक लोग रामगढ़ताल की ओर जाते थे, वहाँ पे उसका लाभ लेते थे नौकायन का, लेकिन अब यहाँ पर भी आएंगे और प्राकृतिक जो अपनी उपलब्धि है उसका लाभ लेने का लोग यहाँ पर गोरखपुरवासी उसका लाभ लेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण क्या दिशा निर्देश दिए, क्या लोगों को सुरक्षा मानक? सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मानक है उतनी ही संख्या अब उस बोट में बैठेगी, साथ में लाइफ जैकेट है वो बिल्कुल जैकेट लगाए रहेंगे, जो लोग को तैरना नहीं आता वो निश्चित रूप से सावधान रहेंगे और जितना मानक है उतने ही लोग उसमें बैठेंगे, तभी उनको भी उनके लिए भी सुविधा रहेगी और जो इसके संचालक हैं उनके लिए भी सुविधा रहेगी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में था और आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर और स्वच्छ इस घाट को बनाया गया है। इसका प्रपोजल हमारे स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव जी ने नगर निगम को दिया था और नगर निगम ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। आज इस कार्यक्रम का साक्षी बने हैं हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, हमारे ऋषि मोहन वर्मा जी, मदन अग्रहाजी जी पार्षद मनोनीत नगर निगम गोरखपुर और हमारे बहुत से गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं और बोट का संचालन किया जाए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे पास 3 बोटें आई हैं और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी 2 बोट तुरंत आने वाली है और रेट भी बहुत कम रखा गया है और नौका विहार जो तारामंडल में है उससे ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर लोगों को मिलेगी, फूड पार्क बनेगा, बच्चों को खेलने के झूले बनेंगे और भी सारी सुविधाएं बच्चों को और पर्यटकों को यहाँ पर दी जाएगी और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सुरक्षित बोटिंग करें, लाइफ जैकेट का प्रयोग करें, नदी में गंदगी न फैलाएं और इसको नदी में गहराई को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया का टेंडर मुख्यमंत्री जो दिया गया है और नदी के गहरा किया गया है, उससे मिट्टी निकाली गई है कि यहाँ जल पूर्ति बराबर बनी रहे। सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य है,
और ठेकेदार को बोल दिया गया है कि बिना लाइफ जैकेट के किसी को नौका विहार नहीं कराए, अगर ऐसा करेगा तो उस पर जुर्माना किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि व्यक्ति और पर्यटक की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को आज यहाँ की जनता की उपस्थिति में किया गया है। मैं जनता से कहूँगा कि इसका उपयोग करें और सुरक्षित बोटिंग करें। जय हिंद।